साथ निकली बाप और बेटे की अर्थी। दरअसल मामला है कांडी प्रखंड स्थित गोसांक निवासी रामनाथ बैठा अपने पुत्र के साथ कुछ दिन पहले गुजरात कमाने गए हुए थे। वहां पिता और पुत्र दोनों डेंगू के चपेट में आ गए, जिससे 45 वर्षीय रामनाथ बैठा का गुजरात में ही निधन हो गया तथा उनके पुत्र गुड्डू बैठा अपने पिता का स्व लेकर घर आ रहा था। बीच रास्ते में उसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, जिससे रामनाथ बैठा जी का बेटा गुड्डू बैठा का भी रास्ते में ही निधन हो गया। यह खबर सुनते ही रामनाथ बैठा के परिजनों पर पहाड़ टूट पड़ा। दोनों को स्व को घर लाया गया। इस मौके पर विधायक अजय सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता रामलला दुबे, रविंदर चंद्रवंशी, मणिकांत सिंह सहित हजारों लोग मौके पर मौजूद थे। गढ़वा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार दूसरे प्रदेशों में पलायन हो रहा है, जिससे किसी कारणवश लोगों की मौत हो जाती है। जैसे कोई पलायन से गिर गया, किसी को डेंगू हो गया, कोई बीमार पड़ गया, जाके ऐसे ही मौत होते जा रही है। आकस्मिक मौत से परिवार पे क्या बीतता होगा, इसका जिम्मेदार कौन है? हमारा झारखंड खनिज के मामले में सबसे आगे है, लेकिन इससे लाभ केवल नेता लोग को होता है और यहाँ के लोगों को कोई लाभ नहीं होता। इसमें कौन आवाज़ उठाएगा, लेकिन यहाँ के लोग का ये हाल है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में अपना राय जरूर दें।